संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर गुरुवार की रात रामराजा के दर्शन करने ओरछा पहुंची। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भारत का खंड खंड करने वाला बताया। इसके साथ ही उन्होंने गर्वों को शक्ति व साधना का पर्व बताते हुए पवित्रता और अनुशासन कायम रखने की बात भी कही। ओरछा पहुंची संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ रामराजा सरकार के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। ग्वालियर में गरबा संस्कृति पर दिए गए अपने बयान के जवाब में उन्होंने कहा कि गरबा शक्ति व साधना का पर्व है, उसको हम मनोरंजन का पर्व बनाकर नहीं छोड़ सकते। वो शक्ति साधना का ही पर्व रहे और उसकी पवित्रता और अनुशासन कायम रहे, इसको लेकर गरबों को लेकर मध्य प्रदेश शासन के क्या प्रयास रहेंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लव जिहाद को लेकर कानून बन चुका है। हर गरबा परिसरों के आयोजकों से यही प्रार्थना है कि आप जिसको भी प्रवेश दें उसका पहचान पत्र जरूर देखें। मैं तो हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके सारे सद्गुण हर भारतीय के भीतर स्थापित हो और हम सब मिलकर 21वीं शताब्दी का जगतगुरु भारत बने। आज आपने जो ग्वालियर में बयान दिया गरबा संस्कृति को लेकर, कि क्या कहना है उस बारे में आपका? भाई, गरबा संस्कृति, देखिए, गरबा शक्ति साधना का पर्व है जी। उसको हम मनोरंजन का पर्व बनाकर नहीं छोड़ सकते, तो शक्ति साधना का वो पर्व रहे और उसकी पवित्रता, उसका अनुशासन कायम रहे। तो क्या प्रदेश शासन के प्रयास रहेंगे मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर? देखिए, लव जिहाद को लेकर कानून बन चुका है और हर गरबा मंडल से, हर गरबा परिसर के आयोजकों से एक ही प्रार्थना है कि आप जिसको भी प्रविष्टि दें उसका आइडेंटिटी कार्ड जरूर देखें, कोई भी अपनी पहचान छुपाकर गरबों में ना आए। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान राम से यही प्रार्थना करती हूं कि आपके सारे सद्गुण हर भारतीय के भीतर स्थापित हों और हम सब मिलकर 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत बनाएं। इस अवसर पर ओरछावासियों ने उन्हें भगवान श्री रामराजा सरकार की एक तस्वीर भेंट की। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष अखिलेश याची, ओरछा नगर पंचायत अध्यक्ष सुषपाल सिंह राजपूत, मंडल अध्यक्ष विवेक तोमर, रोहित यादव समेत तमाम भाजपाई उषा ठाकुर के साथ मौजूद रहे। राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या कहना है आपका इस बारे में? जी, मैं कहूँगी कि 65 साल जिस कांग्रेस ने पूरे भारत को खंड खंड करने में कोई कसर नहीं रखी, आज भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं। अब उनकी यात्रा क्या रंग लाएगी, प्रभु जाने। ओरछा से बुंदेली तर्कस के लिए सोहित दुबे की रिपोर्ट।